रिसेंटली रियलमी की तरफ से एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ बजट प्राइस में, जो कि है रियलमी C55, और ये स्मार्टफोन आता है सस्ता डायनेमिक आइलैंड के साथ। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे डिजाइन पर्सपेक्टिव हैं, जो कि अगर एक बजट स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो देन इसे आप लुकअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन काफी बेहतरीन है। बात करेंगे इसके बारे में और इसमें कौन कौन से फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो बात करें अगर डिजाइन के बारे में, तो रिसेंटली रियलमी की तरफ से जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं वो डिजाइन में काफी क्वालिटी है। अगर हम बात करें Realme 10 Pro के बारे में, तो ये डिजाइन में काफी बेहतरीन था, और अब रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme C55, जो कि डिजाइन में काफी बेहतरीन है, और Realme डिजाइन के मामले में काफी बेहतरीन ही माना जाता है, और ये डिजाइन में नया नया एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है। तो स्मार्टफोन आता है स्क्वायरिश बॉक्सी डिजाइन के साथ, और यहाँ पर 7.9 mm का थिकनेस भी है स्मार्टफोन का। यहाँ पर इसी प्राइस रेंज में काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है, और फ्रंट के साइड में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का बेजल्स और चीन वगैरह भी काफी छोटा है। डिस्प्ले में 6.72 इंच का मैसिव डिस्प्ले है, जो कि प्रोवाइड करता है IPS LCD पैनल को, और ये सपोर्ट करता है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, और ये आता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। तो इसी प्राइस रेंज में फुल HD रेजोल्यूशन भी एक बेहतरीन फीचर्स है रियलमी की तरफ से। फ्रंट साइड के सेंटर में पंच होल कटआउट के साथ एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि है 16 मेगापिक्सल। और दोस्तों, यहां पर एक स्पेशल फीचर्स है जिसे कि रियलमी कहता है मिनी कैप्सूल, और ये रियलमी की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट है बजट स्मार्टफोन में, कि यहाँ पर आपको जो पंच होल कटआउट कैमरा है, यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि डील करता है नोटिफिकेशंस को, यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस को शो करता है, और ये काफी हद तक डायनेमिक आइलैंड के कॉपीड वर्जन हम कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से ये वर्क नहीं करता, ये थोड़ा बहुत डिफरेंटली वर्क करता है। यहाँ पर नेटवर्क स्पीड वगैरह शो हो जाते हैं, जो भी स्टेटस बार में आइकॉन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स, ये भी इंटरेक्टिव है, और ये सेटअप काफी इम्पोर्टेंट डेटास वगैरह को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो ये काफी सारे लोगों के लिए काफी यूजफुल फीचर्स हो सकता है। ये फीचर्स यहाँ पर इसी स्मार्टफोन के लिए एक प्लस पॉइंट है। प्रोसेसर की अगर बात करें, तो यहाँ पर बजट प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से हेलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये 5G स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन है तो यहाँ पर 5G सपोर्ट नहीं करता है ये। और अगर हम रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पर 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट के साथ। और ठीक वैसे ही इंटरनल स्टोरेज में भी 64GB 128GB इंटरनल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बैटरी में काफी सही वर्क देखने को मिल जाता है रियलमी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 5000mAh का एक बैटरी है, वो भी सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को। और सॉफ्टवेयर में भी ये आता है इनबिल्ट एंड्रॉइड 13 के साथ, और जो रियलमी UI 4.0 है उसी के साथ। और रिसेंटली रियलमी वालों ने भी ये कन्फर्म करा था कि यहाँ पर उनकी तरफ से जो भी स्मार्टफोन्स आएंगे उन सभी में को नियरली ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, मतलब कि एक दो प्री इंस्टॉल्ड ऐप हो सकते हैं, लेकिन पहले जो भी एप्स आते थे जो कि काइंड ऑफ एडल्ट कंटेंट जैसा ऐप था, वो सभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसी स्मार्टफोन के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि है 64 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी सेंसर, और सेकेंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल। अगेन ये भी यूजलेस है। तो ये जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है, ये तो रेजोल्यूशन में काफी अच्छा खासा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पर OIS नहीं है, तो डायनेमिक रेंज वगैरह और कलर करेक्शन वगैरह उतना भी अच्छा नहीं रहेगा, और स्मार्टफोन में जो भी इमेजेस कैप्चर करेंगे वो शायद से सेकी हो सकता है, काफी स्टेबल इमेजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बजट स्मार्टफोन, तो उतना भी ज्यादा कैमरा क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बात करें अगर ओवरऑल कंक्लूजन की, तो यहाँ पर आप दो चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो। एक तो यहाँ पर जो डायनेमिक आइलैंड की तरह एक इंटरेक्टिव कैप्सूल दिया जाता है रियलमी की तरफ से, ये काइंड ऑफ नया फीचर्स है, आप ट्राई कर सकते हो। और सेकंड है, यहाँ पर डिजाइन काफी क्वालिटी है, डिजाइन में ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है, आपको काफी हद तक ये प्रीमियम फील हो जाएगा। और नेक्स्ट है बैटरी, यहाँ पर आपको 5000mAh बैटरी भी देखने को मिलता है, और उसके साथ 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की अगर बात करें, जो बेस वेरियंट है जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये अवेलेबल है 10999 के साथ, मतलब की ऑलमोस्ट 11,000 के साथ ये अवेलेबल है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर कैमरा ना के बराबर है,
और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी उतना भी ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। इन सब को आप ध्यान में रखते हुए इस स्मार्टफोन को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।